वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो के एच ए एन। तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने जाएंगे। देश भर में पठान मूवी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब मध्य प्रदेश के दो कथावाचकों ने इस मूवी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रचलित हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के द्वारा इस पठान मूवी को बॉयकॉट करने की मांग की गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले हैं कि जब वो कश्मीर फाइल्स देखने नहीं जाते तो हम पठान मूवी देखने क्यों जाएं। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा भी अपने अनुयायियों से आह्वान किया है कि वे इस पठान मूवी का बॉयकॉट करें। पूरे भारत के लोगों को तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारा जो है कलाबा बांधन लगो तिलक लगाऊं लगो। हाँ और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो के एच ए एन। बजा ताली आज शपथ लो दोनों हाथ। विरोध तो उन्होंने भगवा रंगी क्यों पहनाया। विरोध का मूल कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता। कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग से ही कपड़े पहनाना। विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को वो फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भोंकेगा या जान कर वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसमें उन्होंने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूँ, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूँ और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो काहे को पहना हो भाई, क्यों पहने हो। कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो। हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो। आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो। क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने जाएं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।